जी अस्सलाम वालेकुम पीपल्स, हम यहाँ पे अजवाल कश्मीर में तो तो ये थोड़ी सी ट्रैकिंग थी, ऊपर से नीचे आए तो थोड़ा चोट लग गई है। एनी हाउ यहाँ पे हम आपको एक वाटरफॉल दिखा रहे हैं। तो गाइस हम आपको दिखा रहे हैं पानी की ये चक्की, और ये प्योरली पानी से चल रही है। शॉपर में डाल के लेके जा रहे हैं वापस, देखने मलिक साहब हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम भिम्बर में हैं, भिम्बर आज़ाद कश्मीर में है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। यहाँ पे आप गौर से देखिएगा, मेरे पीछे आपको दूसरी साइड में आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे पीछे आपको दो चोटियाँ नज़र आ रही हैं, एक जो छोटी है और दूसरी बड़ी है। ये जो छोटी छोटी है, जो लोअर आप कह सकते हैं हिल है, ये पाकिस्तान में है, और वो जो ऊपर आपको नज़र आ रही है दूर, वो इंडिया की पोस्टें हैं। तो ये इंडिया की पोस्टें हैं और नीचे आपको ये पाकिस्तान की पोस्टें नज़र आ रही हैं, और ये डिवाइडर है LOC का। और ये जो ड्रोन से मैंने आपको शॉट दिखाया था, क्योंकि ड्रोन रिस्ट्रिक्टेड है इस एरिए में, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वो शॉट था जो मैं आपको ऊपर से दिखा रहा था ड्रोन से। ये एक छोटा सा चश्मा आ रहा है, like the tea. The tea is fantastic. Thank you. Okay. अस्सलाम वालेकुम जी, अभी हम बारबेक्यू कर रहे हैं। बारबेक्यू खाने के बाद बाकायदा तौर पे हसन भाई की फरमाइश से चाय बनेगी और तमाम लोग चाय पियेंगे यहाँ पे। और इंडिया वालों को कोई आप कहना चाह रहे हो? तुम्हारी चाय का पता है, अगर नहीं पता तो अभिनंदन से पूछ सकते हो। दी टी वाज फैंटास्टिक। ये है जनाब इंडिया वालों की अम्मी का गोश्त, ये हम खा रहे हैं, तो इनसे के जो हो सकता है कर लें। जैसे हम इधर आए थे हर जगह नीट एंड क्लीन थी, उसी तरह हम जितना भी गंद डाला सारा हम शॉपर में डाल के लेके जा रहे हैं वापस, ये अपने मलिक साहब हैं जी। बिल्कुल इस तरह दिखा दे सारा जी जी, वैसे ही क्लीन माशाल्लाह कर दिया जैसे पहला जी। ओके जी अस्सलाम वालेकुम पीपल्स, हम यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में। तो आज़ाद कश्मीर में एक बहुत ही खूबसूरत तो ये थोड़ी सी ट्रैकिंग थी, ऊपर से नीचे आए तो थोड़ा चोट लग गई है। एनी हाउ यहाँ पे हम आपको एक वाटरफॉल दिखा रहे हैं, ये आज़ाद कश्मीर में वाटरफॉल है। तो इसको इसके इस बेसिकली हम इस वक्त ऊपर खड़े, तो हम इस वाटरफॉल के नीचे जाएंगे और नीचे जाके आपको दिखाते हैं। भिम्बर नॉट टू फार फ्रॉम द गुजरात एंड सियालकोट, ये कोई दो घंटे में आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो लेट्स गो, हम आपको नीचे की तरफ लेके जाएंगे। आबशार हम दिखा रहे हैं आपको वाटरफॉल, ये हम उसके इस वक्त ऊपर वाली साइड पर खड़े हैं। ये हम ऊपर से आए हैं और ये वाटरफॉल नीचे जाती है। इस वक्त हम वाटरफॉल के बिल्कुल ऊपर खड़े हैं। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ इसका नज़ारा, ये देखें।
कमाल, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। ये नेचुरल वाटरफॉल आज़ाद कश्मीर भिम्बर। चिन आज़ाद कश्मीर और ये चिन भिम्बर, भिम्बर वाटरफॉल मिसिंग फॉल है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं हूँ गुलाम रसूल। समानी पंजाब के बिल्कुल करीब तरीन सरसब्ज हिल स्टेशन है। यहाँ पर 12 के करीब वाटरफॉल हैं। तो मुल्क के अंदर जो हमारे लोग किसी भी सियासी मुकाम पर जाते हैं तो वहाँ पर जाकर खा पी के कचरा उधर ही डाल देते हैं। तो इसलिए आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप किसी भी सियासी मुकाम पर जाते हैं, सबसे पहले जो वहाँ पर कचरा मौजूद है उसको उठा लें। उसके बाद आप लोग जो भी खाते हैं पीते हैं उसके जो वो रैपर वगैरह हैं या बोतल या जो भी जूस के डब्बे वगैरह कोई भी चीज़ है तो उसको आप लोग उसी शापर के अंदर डालें और उसको कचरे के ढेर के अंदर डाल दें या जो ड्रम वगैरह लगा है उसमें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आज की वीडियो के बारे में अपने कमेंट ज़रूर करने हैं। तो आए हम वो गलियां जहां हमें कोरो नजर आती थी जाने को करके देर मिला कर हेलो गाइस, हम आपको दिखा रहे हैं पानी की ये चक्की और ये प्योरली पानी से चल रही है। यहाँ पे किसी किस्म का कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हम भी कैमरे की लाइट में ही ये शूटिंग कर रहे हैं। ये देखिए ऊपर उन्होंने ये गंदम डाली हुई है और गंदम के बाद ये नीचे चक्की चल रही है। जरा यहाँ आटा पीस रहा है। ये अगर आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ से ये साफ आटा इकट्ठा करें और ये कमाल हो गया। अब हम आपको बाहर से दिखाते हैं कि पानी कहाँ से आ रहा है। ये पानी आ रहा है, आप देखें इसको, इन्होंने टेक्निकली बगैर इलेक्ट्रिसिटी के ये चला रहे हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी कर सकते हैं इससे, लेकिन इनको अभी इतनी असर नहीं आई। लेकिन एनी हाउ ये वो पानी है जिससे ये चक्की चलती है और ये फिर इसके बाद दोनों तरफ डिवाइड होगी।